हम आपके सामने जब भी अदालत की तारीख होती है आते हैं, इंसाफ अदालत के सामने पेश होते हैं और अदालत को अपना काम करना हम चाहते हैं कि बेहतरीन तरीके से अदालत साफ और शफाफ ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करे। आज हम पेश हुए हैं और क्योंकि तफ्तीश भी अभी तक मुकम्मल नहीं है और 19 तारीख की तारीख मिली है, 19 मई की अभी तारीख दोनों कोर्टों से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पिछली प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरे दोस्तों की रफका की मीटिंग हुई थी उसके रिजल्ट में खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अली जफर साहब की ड्यूटी लगाई है कि वो तमाम तफ्तीश को दोनों तरफ से देखेंगे ताकि हमारे जो तहफ़ुज़ात हैं उनको वो दूर कर सकें। अली जफर साहब ने अपना काम करना शुरू कर दिया, बहुत अच्छे समझदार मंझे हुए वकील हैं, कॉर्पोरेट अफेयर्स जानते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कॉर्पोरेट अफेयर जानते हैं क्योंकि ये केस जो है ये क्रिमिनल है ही नहीं, यहाँ FIA का कोई रोल नहीं है, ये सारा का सारा कॉर्पोरेट ज़्यादा से ज़्यादा अगर होता तो ये SECP के पास होता, उनके पास, क्योंकि ये इसके अंदर बिजनेस टू बिजनेस इशूज़ हैं, इसमें कोई पब्लिक फंड का कोई इस्तेमाल नहीं है, इसमें किसी चीज़ का कोई सीक्रेट अकाउंट नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये अली जफर साहब पे हमें उम्मीद है कि वो अच्छी तरह देख के और खान साहब को एक रिपोर्ट पेश करेंगे। जहाँ तक हमारे लोगों की मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, बड़ी अच्छी रही, इन्होंने भी खुल के बातें की, जो इनके तहफ़ुज़ात से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी की कि मैं खुद देखूंगा इसका और मैं इंसाफ होना चाहिए। याद रहें हम इस तफ्तीश से नहीं भागते, मैं कभी भी इस इन्वेस्टिगेशन से नहीं भागा, एक साल से हो रही है, सिर्फ एक साल, और जितने मैंने, मेरा ख्याल है मैंने लाखों डॉक्यूमेंट दिए हैं, लाखों, हज़ारों भी नहीं, और मैंने तमाम मेरे अफसर, मेरे जो कंपनी के लोग हैं उनकी कोई 75 से लेकर 100 पेशी हुई हैं, तो हम तो इसके साथ लगे हुए हैं, साल से ज़्यादा गुजर गया है और इंशाल्लाह ये इसका भी कोई हल निकलेगा। मगर ये याद रखें, हमें कभी नहीं कहा हमें कि केसेस ख़त्म कर दो, कुछ कर दो, हम चाहते हैं कि पूरी तरह तफ्तीश हो ताकि जब सुरखरू हो तो आवाम भी देखे कि सुरखरू सही हुए हैं इंशाल्लाह ताला। रोज़ा तोड़ दें क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने स्पीच में डायरेक्ट कहा है कि आधे तितर आधे बटेर ना बने, ठीक है, इस तरह कुछ आप भी उनके बारे में बताइएगा कि क्या, और उसके अलावा कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं? मैं ऐसी कोई बात नहीं करता, इस तरह की बातें ये हल्की बातें हैं, हम जैसे लोगों को ये सूट नहीं करते हैं कि हम इस तरह की हल्की बात करें। आपका लिबास भी सफेद है, मोस्टली जो आपके हम ख्याल ग्रुप हैं वो भी सफेद लिबास पहनते हैं और चीनी का कलर भी सफेद है, लेकिन आप पे काले रंग का केस बनाया गया, क्या ये इमरान खान के दिल में काला उतरा है या कोई और वजह है? यार ये आपका सवाल पे मैं हंस सकते, सवाल अच्छा पूछा है आपने, अच्छा ये एक तरह का मजाक है, बस सही पूछा है आपने, आपने कुछ कहना नहीं, बस सही नरेंद्र साहब ये बता दीजिएगा, ये बता दीजिएगा कि कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो बजट आ रहा है उस बजट में आप या आपका जो ग्रुप है वो हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सकता है, और जो आपके शहजाद अकबर के हवाले से या आजम खान के हवाले से मुतालबात थे उन पर क्या स्टेटस है इस वक्त आपके दोस्तों का? देखें अब ये अब तो ये हम इस केस की बात कर रहे हैं, बजट की बात तो हमने किसी ने ना की है अभी ना कभी और की है, तो हमारे मेरे साथ लोग हैं अल्लाह का शुक्र है, मेरे दोस्त सारे मेरे, इसके अलावा बहुत सी दुनिया मुझे फ़ोन करती है, वर्कर्स सारे पाकिस्तान से, ख़वातीन भी सपोर्ट में और जो वर्कर्स हैं मेल वो भी सारे, अल्लाह का शुक्र है, सबको मालूम है, साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो केस है इसकी बुनियादें किसी और वजह से है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। जब ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही थी क्या इस किस्म की कोई पेशरफ्त हुई थी? क्या कह रहे हैं, क्या मुस्लिम नून की जानिब से आपके साथ कोई रابطे किए गए थे या फॉरवर्ड ब्लॉक की जो बातें हैं उनकी थी? मेरे से किसी नून लीग ना पीपल्स पार्टी से हमारा कोई रابطा नहीं। YouTube पर गूगली TV देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में गूगली TV टाइप करें। गूगली TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।